बजेगी ढोलक बजेंगे ताशे मेरी सगाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो एस डिज़ाइनर, मैं हूं अफसल जानी। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। अगर आप भी ऐसी वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। और आजकल ये वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है तो हर बंदा बना रहा है, मैंने सोचा मैं क्यों ना बना लूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तमाम जो लिंक वगैरह है, जो इसमें हम मटेरियल यूज़ करेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके आप भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस डिज़ाइनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। तो अभी मैं यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ काइन मास्टर में और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है 9:16 वाला। तो यहाँ से आपने कुछ इमेज वगैरह जो है वो ऐड कर लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज वगैरह रखी हुई है, वहाँ से हम इनको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इमेज वगैरह जो है आपने ऐड कर लेनी है और इमेज को यहाँ पे आपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सारी इमेज को अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपने सारी इमेज को जो है अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपने यहाँ से सारी इमेज को, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये सारी इमेज वगैरह जो है हम यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो आपने भी ऐसे 10 इमेज वगैरह जो है यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमारी इमेज वगैरह जो यहाँ पे ऐड हो गई है सारी अच्छे से एडजस्ट हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना। लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपने एक वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक वीडियो रखी हुई है, इसके ये वाली वीडियो है, इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है और इसको यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ तक आ रही है, सही है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ग्रीन स्क्रीन पे यस करना है और यहाँ पे हमने क्रोमा की में आ जाना है। क्रोमा की में आने के बाद यहाँ से हमने इसको इनेबल कर लेना है। इसे अभी हम यहाँ से यहाँ पे हम ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे, कलर जो हम इसका ग्रीन कर देंगे। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ पे इसको ये वाली वीडियो ग्रीन स्क्रीन की नहीं है, दूसरी वाली है, मैं अभी आपको यहाँ पे ऐड करके देता हूँ। यहाँ पे वीडियो रखी थी, ये वाली वीडियो है, इसको हम यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रोमा की में आना है। क्रोमा की में आने के बाद यहाँ से जो कलर है आपने इसको ब्लू कर लेना है यहाँ से, और बाकी इसकी सेटिंग जो है आपने अच्छे से कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। अभी आपने इसको यहाँ से इसको चला के थोड़ा सा आगे करना है, जैसे कि यहाँ पे ये आगे आ गई, तो यहाँ से आपने इस इमेज को कट कर लेना है इस तरीके से। दूसरी इमेज पे आपने क्लिक करना है, उसको भी ऐसे प्ले करके आगे करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ गई, तो इसको भी आपने यहाँ से कैंची में जाके यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है। इस तरीके से सारी इमेज को जो है आपने प्ले करके, तो यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। तो इसको भी यहाँ से हम प्ले करके देखते हैं और यहाँ से इसको भी आपने कट कर लेना है।
यहाँ पे इसको भी कट कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी कट कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दो इमेज वगैरह जो है और ऐड कर लेनी है। ये हमारी इमेज जो है कम हो गई है, तो मेरे पास अभी ये वाली एक इमेज ऐड कर लेते हैं और एक इमेज ये वाली ऐड कर लेते हैं। तो इनको भी यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी इसको भी यहाँ से हमने ऐसे आगे करना है और इसको भी यहाँ से हमने कट कर लेना है। इसको भी यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। ये भी हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है, तो बाकी का मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे 1000 सब्सक्राइब पूरा करना है। हाँ दोस्तों, ये हमारी वीडियो जो एक्सपोर्ट होगी उसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपने इसको यहाँ से हटा लेना है, बैक कर लेना है। और उसके बाद आपने फिर से इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर ये वाला है 9:16 वाला एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। आप किसी की भी इमेज लगा सकते हो। इसके मेरे पास अभी यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है ये वाली, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो इस इमेज का साइज़ जो है हम कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। उसके बाद इस इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको हम बड़ा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारी इमेज ये आ गई। इसको आपने यहाँ पे इसकी विगनेट जो है ऑन कर लेनी है। अगर आप इसको ब्लैक करना चाहते हो तो ब्लैक भी कर सकते हो। यहाँ पे आके बेसिक में जाके यहाँ से आप इसको कोई सा भी कलर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ से बहुत सारे कलर वगैरह हैं, कोई सा भी आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो अभी वीडियो आपने एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो को आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ये वाली वीडियो हमने अभी एक्सपोर्ट की है, तो इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना है। तो यहाँ से हमने इसको भी प्ले करके देखते हैं। तो ये जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो, आपने क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद यहाँ से आपने इसको कलर में जाना है। कलर में जाए, यहाँ पे आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसकी बाकी जो थोड़ी बहुत सेटिंग है वो आपने कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपने एक और वीडियो इसके ऊपर ऐड कर लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पर एक वीडियो रखी हुई है, तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाली वीडियो मेरे पास है, इसको आपने क्या करना है, ऐसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है और उसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ से आपने इसको स्क्रीन कर देना है। तो ये हमारी वीडियो जो है कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने फिर से जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपने एक और इमेज वगैरह उसको ऐड कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज रखी हुई है ये वाली, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से इसको वीडियो के एंड तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा इसका साइज बढ़ा के यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ से फिर से जाना लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपने एक और बैकग्राउंड, इसका जो बॉर्डर इमेज वो ऐड कर लेनी है।
यहाँ पे मेरे पास एक बॉर्डर की इमेज रखी हुई है ये वाली, तो इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी वीडियो के एंड तक ले जाते हैं। तो मैं अभी आपको प्ले करके दिखा दूँ, हमारी वीडियो जो कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जो सॉन्ग है वो इस वीडियो में पहले से ऐड हुआ हुआ है, अगर आपने सॉन्ग चेंज करना है तो यहाँ से आपने इस सॉन्ग को बंद कर लेना है और ऑडियो में जाके, या ऑडियो में जाके आपने कोई सभी सॉन्ग इसके ऊपर ऐड कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।